नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक पार्ट करने वाले हैं, एसिड बेस साल्ट। आज की हमारी वीडियो में जो रहेगा एसिड और बेस रहेगा, पहला पार्ट है। ये दो पार्ट में आने वाली है, बहुत लॉन्ग चैप्टर हो जाता है इसलिए हम इसे दो पार्ट में करने वाले हैं। तो हमारे पास में आज हम करेंगे एसिड और बेस को, एसिड और बेस को साल्ट आज हम कम्प्लीट कर देने हैं और ये हमारी मात्र 30 से 35 मिनट की वीडियो रहेगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक भी प्रश्न इससे अलग नहीं जाने वाला। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप एसिड बेस साल्ट से जो भी प्रश्न आएगा आप उसे इजीली क्लियर कर पाओगे। पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं नौकरी के लिए, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये जो हरियाणा बोर्ड की 10वीं और जो कोई भी बोर्ड हो जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी गई है, एसिड बेस साल्ट टॉपिक होगा तो उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि वीडियो में कोई गलती होती है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है जब भी कमेंट कीजिए, वीडियो बुरी लगती है जब भी कमेंट कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं एसिड। तो एसिड क्या होता है, सबसे पहले एसिड के बारे में हम बात करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयन होता है। ध्यान रखना, एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव कंपाउंड होता है, उन्हें एसिड कहा जाता है। ये शायद क्या हो रहा है, पेन में स्याही ज़्यादा गिर जाती है, एक मिनट साफ कर लेता हूँ, हाथ डेली गंदे हो जाते हैं, शायद इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं बाद में। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं एसिड। एसिड क्या है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयन होता है और ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं। याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3 आयन या हाइड्रोनियम में हाइड्रोजन आयन देते हैं जब इन्हें हम डिजोल्व कर देते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर मिला दिया जाता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ एसिड, एसिड के प्रकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकलता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। नेचुरल या ऑर्गेनिक, पहला प्रकार होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड और तीसरा होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और चौथा हो गया हमारे पास वीक एसिड। तो यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, मैं आपको बताता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड के बारे में हम बात करते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एच पॉजिटिव आयन होता है जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद। तो हम करते हैं, तो जो नेचुरल एसिड होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता चलूँगा, उस टेबल पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेचर में कैसे होते हैं, नेचर में ये वीक होते हैं, याद रखना है। जो हमारे पास नेचुरल एसिड होते हैं वो वीक होंगे, जो मिनरल एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, याद रखना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नाम से पता चल रहा है ये स्ट्रॉन्ग होंगे और इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है ये नेचर में कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अब आता है हमारे पास में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होते हैं, दो एसिड विच आर वीक इन नेचर, जो प्रकृति में कमजोर होते हैं उन्हें हम नेचुरल एसिड कहा जाता है। और दे आर फाउंड, आप बात करें किसके अंदर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड, ये पाए जाएंगे इन प्लांट एंड एनिमल। तो यह जानवर तथा एनिमल्स, जानवर और पौधों के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और जो हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं ये किससे ऑप्टेन किए जाते हैं, दे कैन बी ऑप्टेन, ये प्राप्त किए जाते हैं मिनरल से, ये मिनरल से प्राप्त किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो याद रखना है। अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम इसकी सभी की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। तो क्या होता है, नेचुरल एसिड होते हैं विच आर वीक इन नेचर और दे आर फाउंड इन द एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। मिनरल एसिड विद दोज एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर्स एंड वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच कैन बी गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ द एच पॉजिटिव आयन ऑन डिजोल्विंग वाटर, जो ज़्यादा मात्रा में एच पॉजिटिव आयन देते हैं पानी के अंदर घुलकर, और जो कम मात्रा में एच पॉजिटिव आयन दे पार्शली डिजॉल्व हों उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। तो अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल नेचुरल एसिड के कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक, सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक या नेचुरल के
कुछ एग्जांपल है, नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑरेंज। तो ऑरेंज के, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, याद रखना है, ऑरेंज के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो और पाया जाएगा, ये सिट्रिक एसिड और किसके अंदर पाया जाता है? जो सिट्रिक एसिड होता है वह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। सिट्रिक नाम से पता चला है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि आंवला हुआ, रा मैंगो हुआ, रा मैंगो कच्चा आम, आंवला, याद रखना है आंवला, इन सभी के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब आता है हमारे पास में ऑनियन, जो प्याज होती है उसके अंदर पाया जाता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ऑनियन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्पल, एप्पल, याद रखना, यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न बनता है बिल्कुल। एप्पल के अंदर पाया जाता है मालिक एसिड, मेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो मेलिक एसिड जो होता है वो किस काम आता है, वो हमारे पास में बॉडी को, स्किन को, जो त्वचा होती है स्किन, उसे कलर उपलब्ध कराता है, कलर, ठीक है। यदि जिसके अंदर मेलिक एसिड ज़्यादा होगा, तो मेलिक एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा होती है, मोर होती है, ठीक है, और लेस होती है, इससे क्या होता है, मेलिक एसिड यदि ज़्यादा हो तो वो कलर में कैसा होगा, ब्लैक होगा, और जिसकी कम होती है कलर में क्या होगा, थोड़ा वाइट होगा, ठीक है, याद रखना है मेलिक एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास में टर्मेरिंड, जो इमली होती है, अगला आता है टर्मेरिंड, जो इमली होती है इसे इमली कहेंगे, याद रखना है, इमली, हिंदी बायलिंगुअल बता रहा हूँ। टर्मेरिंड में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाएगा टार्टेरिक, याद रखना है, टार्टेरिक एसिड, इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड पाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में कर्ड, या कर्ड, जो हमारे पास दही होती है, दही के अंदर पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। फिर हमारे पास आता है टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो को कहते हैं हमारे पास टमाटर, टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास में, याद रखना है, आंट स्टिंग, आंट स्टिंग, आंट स्टिंग, चींटी का डंक हो या नेटल स्टिंग हो, नेटल स्टिंग, या हमारे पास बीज, बीज मतलब मधुमक्खी हो, उसके अंदर पाया जाएगा हमारे पास में फॉर्मिक एसिड, याद रखना है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा, जिसे HCHO भी कहते हैं, याद रखना है, इसे हम मीथेनोइक, मीथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, मीथेनोइक, नोइक, सॉरी, नोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मीथेनोइक एसिड। और उसके बाद आता है हमारे पास बटर, बटर मक्खन कहते हैं इसे, बटर के अंदर पाया जाता है ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड बटर के अंदर पाया जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न 100% बनता है, इसलिए इसे आप अपने नोटबुक में बिल्कुल अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, और वीडियो को, यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते तो वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों के सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास में, ये तो है हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक के, या नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में बिल्कुल। वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास मिनरल एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट बनता है हमारे पास में मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नेचर में कैसे होते हैं मिनरल एसिड, नेचर में स्ट्रांग होते हैं, याद रखना, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग नेचर में स्ट्रांग होते हैं, याद रखना है। अब उसके बाद जो नेचर में स्ट्रांग होंगे, ऑप्टेन किससे किए जाते हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये ऑप्टेन किए जाते हैं कहाँ से, मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं, ये मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है इसका इंपॉर्टेंट या इसका महत्व, इसके यूज भी कह सकते हैं या इसके महत्व भी कह सकते हैं, याद रखना है। थोड़ी सी देखो लिखाई थोड़ी सी खराब है, बट आपको समझा मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है डाई और डाई एंड पिगमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक्सप्लोजिव थिंग्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे डाई बनाई जाती है, याद रखना डाई, ठीक है। इसे एक्सप्लोसिव बनाने में इसका फर्टिलाइजर,
खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसका प्रयोग हम इंडस्ट्री केमिकल में भी किया जाता है, इंडस्ट्री केमिकल में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण लाइन है, बिल्कुल आप इस पर टिक कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारा स्टोमेक होता है, इन स्टोमेक, स्टोमेक हमारे जो पेट होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, याद रखना, पेट के अंदर जो एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, स्ट्रॉन्ग है तो H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, ठीक है, HNO3 जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और एक और हमारे पास में H3PO4 जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं ये मिनरल, ठीक है। मैं आपको एसिड के बारे में बता रहा हूँ, अभी फिलहाल एसिड ही चल रहा है, पर इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये इंपोर्टेंट, हमारे पेट के अंदर कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, आगे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और बीक एसिड, यहां से प्रश्न बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंड बीक एसिड यहां पर लिख देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और यहां पर लिख देते हैं बीक एसिड, बीक एसिड मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक एसिड क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज एसिड ऐसे अम्ल विच कैन बी कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर याद रखना है, जो मैं इसे रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, याद रखना है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव आयन में, कब होंगे, जब पानी के अंदर डाल दिया जाता है। और ये क्या होते हैं, दोज एसिड विच कैन बी कंप्लीटली, पर ओनली याद रखना, इसके स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे पार्सली डिसोसिएट, ठीक है। और यहाँ एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, या तो एक डेफिनेशन, दोज एसिड विच कैन प्रोड्यूस लेस अमाउंट, एक और डेफिनेशन लिख सकती है, दोज एसिड विच कैन बी प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, याद रखना है, ये लेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन देते हैं, और ये सॉरी भाई ये नहीं, ये मोर अमाउंट देंगे, ये क्या है, मोर अमाउंट ऑफ देते हैं और ये लेस अमाउंट देंगे, एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन देते हैं। अगला हमारे पास आता है, दे कैन बी हाईली कंडक्टिंग, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बनता है, दे कैन बी हाईली कंडक्टिंग, ठीक है, ये हाईली कंडक्टिंग होते हैं, मतलब बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, इनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है। उसके बाद होता है तीसरा, ये क्या होते हैं, ये पुअरली कह सकते हैं, पुअरली, ठीक है, कंडक्टिंग होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बनता है, तीसरा जो पॉइंट बनेगा, दे कंटेन ओनली आयन, याद रखना है, दे कंटेन, इसके अंदर दे कंटेन ओनली आयन्स बता देता हूँ, इसे अब लिखता हूँ आयन्स, इनके अंदर क्या होते हैं, केवल आयन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, दे कंटेन आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर दोनों होंगे, ठीक है, आयन होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। और चौथा पॉइंट जो बनेगा, वो चौथा पॉइंट बताया, इसके एग्जाम्पल अभी बताया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक H3 मैं एग्जांपल भूल गया हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ H2O के अंदर CO2 मिलाया तो क्या बन गया,
CO3, ठीक है, ये आयन हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड भी उदाहरण है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। अभी बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, कमेंट बॉक्स जल्दी कीजिए, बिल्कुल कमेंट में आपको बताना है ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। इसका सूत्र ये है C double O H की ट्वाइस, ओके। ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के डिफरेंट पूछ सकते हैं, या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है या कौन सा वीक का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर भी कह सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से आ सकता है, या इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर कहते हैं सूचक, सूचक क्या होते हैं, वो जो अम्ल और क्षार के बारे में बताए उन्हें सूचक कहते हैं, सिंपल सी बात हो जाती है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स क्या है, सूचक हिंदी में कहते हैं सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, दो सब्सटेंस दैट चेंज कलर, दो सब्सटेंस दैट चेंज कलर, ऐसे पदार्थ जो रंग को बदल देते हैं विद एसिड एंड बेस, जो अम्ल और क्षार के साथ क्या बदल दें, रंग को बदल दें, उन्हें ये सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से याद रखना है। अगला आता है टेबल बनाइए, इस टेबल से 100% क्वेश्चन आने वाला है। एक साइड लिखिए इंडिकेटर सूचक इंडिकेटर्स, दूसरी साइड लिखिए चेंज इन कलर, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए नेचर में कैसे होंगे, प्रकृति में कैसे होते हैं, याद रखना है। इंडिकेटर का नाम लिखना है, यहाँ पर हम दो नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ऐसे यहाँ पर एक साइड लिखेंगे एसिड और एक साइड लिखेंगे बेस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, कंपटीशनों में भी आएगा, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मेरिक हल्दी के बारे में, टर्मेरिक याद रखना है, टर्मेरिक एसिड में क्या रंग देती है, मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एसिड में क्या करती है, एसिड टर्मेरिक जो होगी एसिड में जो रंग देगी वो येल्लो देती है, याद रखना है। एसिड के साथ कैसा रंग देगी, येलो देगी, और बेस के साथ कैसा देती है, रेड देती है, याद रखना है। और नेचर में कैसे हो जाती है, नेचर में बात की जाए तो नेचर में होती है बेस कह सकते हैं या बेसिक हो सकती है, याद रखना। दूसरा आता हमारे पास में पर्पल कैबेज, दूसरा हमारे पास होता है पर्पल कैबेज कैसा रंग देती है एसिड में तो देती है रेड, याद रखना है, एसिड में तो देगी रेड, ठीक है, और इसमें देती है ग्रीन। और जो नेचर में होती है, नेचर में एसिड बेस दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिटमस पेपर, लाइकन पेपर से प्राप्त किया जाता है, जो लाइकन अलगई और फंगी दोनों से मिलकर बना होता है उसे लिटमस कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और ये एसिड में कैसे रंग देती है, एसिड में याद रखना है ये ब्लू कलर से रेड में बदल जाती है, याद रखना। तो एसिड में लाल कलर देती है, और बेस में कैसे कलर देती है, बेस में देती है ब्लू टू रेड, सॉरी भाई, तो रेड टू ब्लू, याद रखना है। तो ब्लू कलर देगी, और नेचर में कैसे होती है, नेचर में ये दोनों ही होगी, एसिडिक भी होगी और बेसिक भी होगी, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करती है। उसके बाद आता है हमारे पास में फिनोल पैथिलीन, इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, फिनोल पैथिलीन, जो फिनोल पैथिलीन होती है एसिड के साथ कैसे रंग देती है, कलरलेस, याद रखना है, कलरलेस, एसिड के साथ कैसा रंग हो जाएगा, कलरलेस, और जो बेस है उसके साथ क्या हो जाता है, ये पिंक, कैसा हो जाएगा, पिंक, याद रखना है। और नेचर में कैसे होती है, नेचर में बेसिक होगी। एक हमारे पास लास्ट है इसका मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज होती है एसिड में रेड कलर देती है, याद रखना है, एसिड में रेड कलर देगी और बेस में देती है येल्लो, और
नेचर में कैसे होती है, एसिडिक होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है बिल्कुल, आप इस टेबल को नोट कीजिए। तो याद रखना है, टर्मेरिक हल्दी येलो देती है एसिड में, रेड देती है बेस में, बेसिक होती है नेचर में, पर्पल कैबेज रेड देती है, ग्रीन देती है एसिडिक होती है, लिटमस पेपर में ब्लू टू रेड कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है बेस में, फिनोपैथिलीन। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहाँ से प्रश्न आएगा 100% आएगा, किसी भी कंपटीशन में देख सकते हो आप, किसी भी तैयारी कर रहे हो जहाँ पर साइंस पूछी जाती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखता हूँ तो लॉन्ग तो नहीं हो रही वीडियो अभी तो प्रॉपर्टी भी हुई है, दो पार्ट में कराने वाले हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी कोई नहीं है। उसके बाद आता हमारे पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जिसे कहते हैं विश्व सूचक कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, वे विच दो सब्सटेंस विच शोइंग, लिख लीजिए आप, दो सब्सटेंस सब्सटेंस विच शोइंग, ऐसे पदार्थ जो दर्शाते हैं, ठीक है, चेंज ओवर शोइंग कलर, याद रखिए शोइंग कलर, चेंज ओवर ए सर्टेन पीएच वैल्यू, ए सर्टेन पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू के साथ कलर को बदल देते हैं उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, ओनियन प्याज। तो आपको कमेंट में बताना है प्याज के अंदर कौन सा एसिड होता है बिल्कुल, यदि आपने वीडियो को हमें देखा शुरू से देखा है तो आप जरूर बताओ, कमेंट करना है। तो अब हम उसके बाद करते हैं, देखो ये रहे हमारे एसिड बेस, अब उसके बाद हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बेस की प्रॉपर्टी करने वाले हैं, बेस को हम खत्म करने वाले हैं एसिड की प्रॉपर्टी। तो थोड़ा ज़्यादा 10 मिनट का और पेशेंस बनाना आपको बिल्कुल। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड के क्या गुण होंगे, तो एसिड के क्या गुण होते हैं ये जान लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यहाँ देखो एक टेबल से करा दूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड के क्या गुण है, थोड़ा पेशेंस बनाना है, 10-1 मिनट और लगनी है, ज़्यादा नहीं है। तो क्या होते हैं एसिड, क्या होता है सोरिन टेस्ट, याद रखना है सोरिन टेस्ट, स्वाद में खट्टे, ठीक है। दूसरा कोरोसिव, कोरोसिव इन नेचर, इन नेचर, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्वाद में खट्टे और जंगित होने वाली है, जंग लग सकता है। उसका आता है एसिड यदि एक्वस सॉल्यूशन के साथ करती है, अगला आता है तीसरी प्रॉपर्टी आती है यदि एसिड को एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं तो क्या बना देता है, याद रखना है ये हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन देता है, एच पॉजिटिव आयन कर सकते हैं, एच पॉजिटिव आयन, तो ये एसिड हो गया HCl, ये किसके साथ मिला दिया, वाटर के साथ मिला दिया तो क्या बना देगा H3O, ठीक है। एक्वस डालते हैं, एक्वस से वाटर के, एक्वस वाटर ही होता है, एसिड डाल देते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अगली प्रॉपर्टी आती है इसकी, यदि एसिड को मेटल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं ये एसिड हो गया और ये मेटल हो गया, इसके एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन आयन बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, याद रखना है इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारे पास ये होगी, देखो जिंक है ये एसिड हो गया H2SO4, क्या बना देगा H2 प्लस में ZnSO4, ये बना दिया हमारे पास में, ये साल्ट हो गया और ये गैस होगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है यदि एसिड को, अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसिड को यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिड को ही हम मेटल वाई कार्बोनेट, एसिड को हम किसके साथ कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाती है, याद रखना हमेशा साल्ट, हमेशा साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी रिएक्शन कर लेते हैं बिल्कुल, देखिए ये हो गया हमारे पास NaH मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ, एसिड के साथ, HCl के साथ, क्या बना दिया हमारे पास में NaCl और NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो क्या बना दिया हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साल्ट बनाता है। उसके बाद हमारे पास ये आता है
एच सॉरी एन एन ए एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री किसके साथ एसिड के साथ करेंगे फिर क्या बना देगा वही बना देगा एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू ये गैस देता है। उसके बाद आता है यदि मेटल को ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया जाए एक और प्रॉपर्टी है यहाँ कर देते हैं यदि मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिड के साथ अभिक्रिया करता है हमेशा साल्ट देता है क्या देता है हमेशा साल्ट देता है ठीक है याद रखना है। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड जेड एन ओ किसके साथ एस सी एल के साथ किया तो क्या बना दिया ये बना दिया जेड एन सी एल टू प्लस में एच टू वाटर मॉलिक्यूल्स भी देगा याद है क्या डाट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी रही किसकी एसिड की। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल जाता है आगे बात करते हैं हम यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा भाई सीधा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है हमारे पास सिट्रस फ्रूट अकर्ड एंड कैन नॉट स्टोर इन द मेटल कंटेनर तो हमेशा खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता तो हम लिख लेते हैं शॉर्ट में लिखूंगा बिल्कुल टाइम कम है सिट्रस फ्रूट फ्रूट को हम कहां है मेटल कंटेनर में क्यों नहीं कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर करते हैं समझ जाना व्हाई सिट्रस फ्रूट कैन नॉट स्टोर इन द मेटल कंटेनर क्यों नहीं करते तो याद रखना है ये इसके साथ ये क्या करते हैं जो हमारे पास एसिड होता है एसिड मेटल कंटेनर के साथ क्या करता है अट्रैक्ट करता है ठीक है उसके साथ क्या कर देता है अट्रैक्ट कर देता है आकर्षित करने के साथ क्या बना देता है पॉइजनस जहरीला बना देता है इसलिए हम हमेशा खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक है बेस। ज़्यादा तो 5-1 मिनट और हैं तो जल्दी जल्दी करा देते हैं बेस क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बेस के बारे में जान लेते हैं बेस क्या होते हैं बेस कैन गिव द ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं दो सब्सटेंस विच कैन बी गिव द ओ एच आयन ठीक है विच कैन बी प्रोड्यूस इन वाटर सॉरी विच कैन बी प्रोड्यूस है ओ एच आयन एंड डिजोल्व इन वाटर जब किस में मिला देते हैं डिजोल्व कर देते हैं याद रखना डिजोल्व इन वाटर ओके भाई जब इसे पानी में घुलाया जाता है तो क्या बनाता है OH आयन बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन बना देते हैं उसे ही एसिड कहा जाता है याद रखना है ठीक है। तो एसिड के प्रकार पढ़ लेते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं थोड़ा कम टाइम है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर वीक एसिड सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ये जान लेते हैं तो दो एसिड कैन बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट जो क्या बनाएगा व्हेन कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन ऑन डिजोल्विंग देखो थोड़ा सुन सकते हो आप देखो टाइम कमी इसलिए मैजिप के जाना यार तो विच कैन बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ओ एच आयन जो ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं ओ एच आयन देते हैं जब कब जब इसे पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं ठीक है तो ये पार्शियली अमाउंट देते हैं याद रखना पार्शियली लेस अमाउंट ठीक है ये पार्शियली कह सकते हैं या हम कह सकते हैं विच कैन बी कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर जो पूरी तरह से पानी में घुल जाए ऐसे भी कह सकते हैं विच कैन बी डिजोल्व इन पार्शली जो पूरी तरह पानी में या लेस अमाउंट ऑफ वो देती हैं ठीक है उसके बाद ठीक है दे कैन हाईली सॉल्युबल दूसरा पॉइंट आता है दे कैन हाईली सॉल्युबल पानी में इन वाटर ठीक है पानी में क्या हो जाते हैं ज़्यादा घुल जाते हैं ये लेस सॉल्युबल वाटर जो पानी में कम घुले ठीक है भाई ठीक है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर इट कंटेन ओनली आयन्स इसके अंदर केवल आयन होते हैं इसके अंदर क्या होगा इट कंटेन आयन एंड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है भाई तो इसके अंदर आयन और मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके बाद हम एक और है हमारे पास इट आल्सो कॉल्ड एल्कलीज ठीक है इसे क्या कहेंगे एल्कलीज इसे एल्कलीज कहा जाता है ठीक है इसे हम एल्कली कहते हैं ओके भाई याद रखना है इसका अगला आता है हमारे पास उदाहरण इसका एग्जांपल है NaOH KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड लास्ट है हमने एसिड बेस को मात्र
देखता हूँ कितने टाइम में हो गया कंप्लीट, 5 मिनट और ऐड अप कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड 5 मिनट लगने वाली है। हाँ तो 35 मिनट में हो जाएगा पूरा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले क्या होते हैं? बीटा टेस्ट, बीटा 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 इन टेस्ट, टेस्ट स्वाद में कड़वे, याद रखना है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सॉपी टच, सॉपी टच या स्लिपरी, स्लिपरी टच भी कह सकते हैं, याद रखना। छूने में साबुन की तरह या फिसलने वाले होते हैं। उसके बाद करते हैं हमारे पास में प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आती है ऑन हीटिंग मेटल, ऑन हीटिंग द बेस टू गिव द मेटल ऑक्साइड, याद रखना है। जब ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग जब गर्म करने पे क्या देती है, गर्म करने पे देते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल सॉरी मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड देंगे, देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे गर्म किया, क्या बना दिया, MgO+H2O, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है मैं से, यदि हम बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, अगली प्रॉपर्टी लिखी है, ये बेस हो गया, बेस हो गया, बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो साल्ट देता है, क्या देता है, ये देखो बेस KOH+CO2 के साथ करें तो क्या बना दिया हमारे पास में, कार्बन साल्ट बनाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ करते हैं, साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, ये हो गया CaCO3+H2O, ये बन गया साल्ट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है बेस को यदि मेटल के साथ अभिक्रिया कराए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बिल्कुल यहाँ लिखता हूँ, बेस को यदि एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दो सब्सटेंस विच कैन बी एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है, ऐसे बता सॉरी व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास एसिड क्या हो गया, HCl, बेस क्या हो गया NaOH, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये करता है हमारे पास में NaCl+H2O, तो ये क्या हो गया एसिड, ये क्या हो गया बेस, क्या बना दिया साल्ट और वाटर, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये याद रखना, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत तेज गति से रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कई बार हमारे पेट के अंदर, जो पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है तो हम इनो खाते हैं ना, तो एसिडिटी क्या होगी, एसिड बन गया, एसिड क्या हमारे पेट के अंदर गैस है, ठीक है, और जो इनो है, जिस इनो याद रखना, इनो कुछ नहीं होता, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसे हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं साल्ट के अंदर, तो इसलिए मैं अभी इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, ओके। तो उसके बाद आता है यदि बेस मेटल के साथ अभिक्रिया कराए, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, यदि बेस बेस रिएक्ट विद द मेटल, मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा साल्ट देता है, क्या देता है साल्ट, देखो बेस हो गया NaOH, ठीक है, मेटल हो गया हमारे पास में, कुछ भी ले लेते, क्या ले लेते, मेटल 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 Mg, तो क्या बना दिया हमारे पास, साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा हमारे पास, Zn ले लेते हैं यार, Zn हो गया, Zn, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेस, ये हो गया मेटल, क्या बना दिया हमारे पास Na2 ZnO2, ये हो गया हमारे पास सोडियम, जिंक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। देखो ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखिए, नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपको 100/100 दिलाने का काम मेरा है, यदि आप वीडियो को देखेंगे तो, अगर नहीं देखेंगे तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कह रहा हूँ लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए वीडियो में यदि कोई कमी हो, या अच्छी लगे ना लगे, जब भी हमें कमेंट करना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को सभी अपने दोस्त के पास शेयर करना है। मात्र आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ 15 दिन में आपकी पूरी साइंस बायो फिजिक्स हम करा चुके हैं, 3 पार्टों में है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, पूरी 100 नंबर आप वहाँ से फिजिक्स से ले सकते हो। केमिस्ट्री का आज हमने एसिड बेस कर दिया है, साल्ट हम कल करने वाले हैं, ठीक है, साल्ट को हम कल फिनिश कर देंगे, बिल्कुल कल फिनिश कर देने वाला हूँ। और हमने मैथ की कुछ वीडियो डाली गई है, उसे भी आप देखिए,
चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं हम आपके साथ, आपको और अन्य वीडियो के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।